क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भगवान अब तू ही कोई रास्ता दिखा। शोभा आंगन में बैठकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही होती कि तभी शोभा को अपने घर के अंदर से कुछ बर्तनों की आवाज आती है। शोभा जैसे ही घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी बर्तनों से खेल रही है और ये वही बर्तन थे जो अनुज की फैक्ट्री में आग लगने के बाद बच गए। उन बर्तनों को देख शोभा को एक आइडिया आता है। मेरी परेशानी का हल मेरे सामने था पर मुझे दिखा क्यों नहीं। दिवाली का सीजन चल रहा है और कुछ दिनों में धनतेरस है। धनतेरस में ज्यादातर लोग बर्तन ही लेते हैं। अगर मैं इन बर्तनों को बेचूं तो ठीक ठाक पैसे कमा सकती, कम से कम कुछ महीने तो गुजर ही जाएंगे। शोभा उन सभी बर्तनों को अच्छे से धोकर साफ कर लेती है और किराए पर एक ठेला लेकर उन सभी बर्तनों को उस पर रखकर अपनी बेटी के साथ अब बाजार में धनतेरस पर बर्तन बेचने के लिए निकल जाती है। बर्तन ले लो, बर्तन, कढ़ाई, कुकर, ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट सब है हमारे पास, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। मीनाक्षी शोभा काफी देर तक बाजार में अपने बर्तन का ठेला लेकर घूमती है लेकिन कोई भी उनसे एक चम्मच तक नहीं खरीदता। हम कब से बर्तन बेच रहे हैं लेकिन कोई हमसे बर्तन क्यों नहीं खरीद रहा है। सभी लोग बड़ी बड़ी दुकानों से बर्तन ले रहे हैं, हमारे बर्तन भी तो इनके बर्तनों की तरह ही हैं। बेटा यही तो फर्क है, अमीरी गरीबी में कोई चाहकर भी गरीब से कुछ नहीं लेता और ना चाहते हुए भी अमीर से सब कुछ लेता है। शोभा अपनी आंखों से आंसू को पोंछती है और दोबारा से लोगों को चिल्लाते हुए बर्तन लेने के लिए बुलाने लगती। थोड़ी देर में कुछ औरत शोभा के बर्तन के ठेले पर आती है। अरे बहने, कुकर कैसा दिया है, ये तो 2 लीटर का है, मुझे 4 लीटर का चाहिए था, मिल जाएगा क्या। हाँ जी बहन जी, ये देखिए हमारे पास 4 लीटर का भी है और 6 लीटर का भी है। मुझे तो कुछ प्लेट के सेट चाहिए थे, क्या आपके पास होंगे। हाँ देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर प्लेट है हमारे पास, ये छोटी वाली, ये बड़ी वाली और ये उससे बड़ी वाली। कुकर तो अच्छे हैं आपके पास, कितने का है कुकर। बहन जी ये छोटा वाला 200 रुपए का है और ये बड़ा वाला 300 रुपए का। अरे आप तो काफी कम कीमत में कुकर बेच रही, वरना ये दुकान वाले तो छोटे से कुकर के भी 600 रुपए ले रहा था। सस्ते बर्तन होने की वजह से वो औरतें कुछ ना कुछ बर्तन ले लेती हैं जिसके चलते मीनाक्षी और शोभा की बोनी होती, लेकिन इतने पैसे उनके लिए काफी नहीं थे। अभी तो उन्हें खूब मेहनत करनी थी और बहुत सारे पैसे कमाने थे। दोनों माँ बेटी हर रोज अपना बर्तन का ठेला लेकर सुबह सुबह निकल जाती और रात तक जितने हो सके उतने बर्तन बेचा करती। सही सही लगा लो, मेरी देवरानी तुम्हारे यहाँ से पतीला लेकर गई थी इसलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ, वरना यहाँ दुकानों की कमी थोड़ी ना है, इसके तो मैं 300 रुपए ही दूंगी। बहन जी ये तो मुझे भी 350 का पड़ रहा है, तो मैं आपको 300 में कैसे दे दूँ। ठीक है, नहीं देना तो अपना पतीला अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ किसी और दुकान पर। अरे रुक जाइए बहन जी, आप 300 रुपए में ही ले जाइए, सुबह सुबह बोनी का वक्त है, अब मैं क्या ही आपसे बोलूं। शोभा के पास कुछ औरतें सही दामों में बर्तन ले जाती हैं तो कोई कम कीमत में लेने के चलते शोभा का नुकसान करवा देती। शोभा के पास इन बर्तनों को बेचने के अलावा कुछ और काम नहीं था, इसलिए वो ज्यादा बहस ना करते हुए औरतों को उनके कही हुई कीमत में ही बर्तन बेच देती है। दोनों माँ बेटी अपने तीनों वक्त का खाने का इंतजाम करती है और साथ ही साथ अनुज की दवाइयां भी ले आती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब धनतेरस को सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं जिसके चलते अब बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ये लीजिए आपके 200। शोभा हर रोज की तरह ग्राहकों को बर्तन बेचने में लगी होती है, वहीं मीनाक्षी अपनी माँ की मदद कर रही होती है कि तभी मीनाक्षी की नजर बाजार में दिवाली का सामान बेच रहे कुछ लोगों पर जाती है। अरे मीनाक्षी बेटा क्या देख रही हो उधर, आंटी कब से प्लेट मांग रही है, उन्हें प्लेट दिखाओ। अरे माँ वो देखो लोग दिवाली के लिए लड़ी दिए और रंगोली के रंग बेच रहे हैं, तो ना हम भी उनकी तरह ये सब बेचे। लेकिन मीनाक्षी बेटा हम तो पहले से ही बर्तन बेच रहे हैं। मम्मी बर्तन तो आप अकेले भी बेच सकती हो ना, आप बर्तन बेचना और मैं लड़ी और रंगोली की रंग बेचूंगी। मीनाक्षी अपनी माँ से थोड़े से पैसे लेती है और उनसे दुकान से कुछ पेपर और गोंद ले जाती है और उन पेपरों को रंग कर उनसे लड़ियां बनाती है। साथ ही आलते और फूलों के रंग की मदद से मीनाक्षी रंगोली के रंग भी बना देती है और अब मिट्टी से छोटे से दिए भी बनाती है। साक्षी बेटा तुमने तो बहुत प्यारे दिए बनाए हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरी नन्ही सी गुड़िया रानी इतनी सी उम्र में इतने प्यारे दिए बनाती है। अरे माँ ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी छोटे से गणेश जी और लक्ष्मी मैया की मूर्ति भी बनाऊंगी। मीनाक्षी दिए बनाने के बाद लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की भी मूर्ति बनाती है। जहाँ एक तरफ मीनाक्षी दिवाली की सजावट का सामान बेच रही होती है वहीं शोभा बर्तन बेच रही होती है। दोनों माँ बेटी सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं और धीरे धीरे कर अब पैसे जुड़ाई हुई लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर उनसे प्रार्थना करती है। हे लक्ष्मी भैया, हे गणेश भगवान, आप दोनों की कृपा से आज हम 3 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। उनकी तबीयत में भी पहले से काफी सुधार आया है, घर के हालात भी पहले से ठीक ही हैं। लोग धनतेरस पर अपनी जरूरत और शौक